गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों का टेस्ट डिवीजन टेस्ट पेपर वन वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम ये पढ़ेंगे एट चैप्टर नाउन। इसका नाउन को हम नंबर में हमको पढ़ना है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल नंबर में। देयर आर टू नंबर्स ऑफ नाउन। नाउन जो के कितने नंबर होते हैं? दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और एंड प्लूरल। कितने नंबर होते हैं नाउन के? दो नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। देयर इज ओनली वन पर्सन इज इन द पिक्चर, सो वी से वन गर्ल। इस बगल के पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि एक ही कोई पर्सन है, यानी कि एक ही एक गर्ल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वी से हम कह सकते हैं वन गर्ल। देयर आर टू पर्सन, इसमें दो पर्सन दिए हुए हैं इन द पिक्चर। इस पिक्चर में दो पर्सन दिए गए हैं, सो वी से टू बॉयज। तो हम क्या कह सकते हैं इसे? क्या कह सकते हैं? टू बॉयज कह सकते हैं। सिंगुलर नंबर, व्हेन ए नाउन डिनोट ओनली वन पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग, वी से द नाउन इज इन द सिंगुलर नंबर। वी व्हेन ए नाउन, जब नाउन कोई होगा, एक पर्सन उसमें होगा, किसी एक एनिमल या किसी एक जगह या किसी एक चीज़ों के नाम के बारे में होगा, किसी एक कोई एक होगा, तो वी से द नाउन इज इन द सिंगुलर नंबर। तो जब अकेला होगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे। प्लूरल नंबर, व्हेन ए नाउन डिनोट्स मोर देन वन पर्सन, जब नाउन जो है वो किसी एक से ज़्यादा के साथ होगा, मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा एनिमल और थिंग, वी से द नाउन इज द प्लूरल नंबर। अगर अकेला होगा, वन होगा तो सिंगुलर होगा, और वन से ज़्यादा होगा तो प्लूरल होगा। जैसे यहाँ देखिए, एक पिक्चर में क्या है, एक ही पर्सन का दिया हुआ है, वन गर्ल, तो यहाँ क्या लिखा है? वन गर्ल लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है? दो पर्सन है, तो इसमें टू बॉयज लिखा हुआ है। बॉयज, वाई की स्पेलिंग बी ओ वाई होती है, लेकिन इसमें एस लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वह एक से ज़्यादा है और ये एक है, इसलिए इसमें गर्ल्स नहीं लगा हुआ, इसमें सिर्फ गर्ल है। नेक्स्ट है, इन मोस्ट नाउन्स एस इज एडेड एज टू फॉर्म देयर प्लूरल्स। एस जो होता है वो प्लूरल नंबर में नाउन में लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रूट, रूट का रूट्स, थ्री का ट्रीज, सबके लास्ट में एस लगा हुआ है। सिंगुलर में एस नहीं है, प्लूरल में एस लगाया हुआ है। नाउन डैट इंड इन एस या डबल एस, सी एच ओ एंड एक्स इज ई एस इज एडेड टू फ्रॉम देयर प्लूरल्स। जब नाउन के लास्ट में एस या डबल एस, सी एच ओ एक्स, ये सब खत्म होता है लास्ट में, तो क्या लगाते हैं हम? तो हम उसमें प्लूरल में, जैसे इसमें सिंगुलर में, इसमें फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है, इसमें लास्ट में हम एस ऐड करते हैं। लेकिन जब जैसे रूट है तो टी है इसके लास्ट में, तो इसमें हम एस लगाएंगे। लेकिन वही अगर लास्ट में हमारा एस होगा, डबल एस होगा, सी एच होगा, या ओ होगा, या एक्स होगा, तब हम उस एक्स को, इस सब को हटा करके क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। जैसे ई एस हटाना नहीं है, ई एस लगा देना। जैसे देखिए नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ क्लास, लास्ट में क्या है? डबल एस है, तो यहाँ क्या बताया हुआ डबल एस में, तो डबल एस के बाद क्या जोड़ देंगे हम? ई एस जोड़ देंगे, क्लास का क्लासेस। डिस, यहाँ क्या था? सी एच होगा अगर लास्ट में, एच होगा, एच होना चाहिए, एच अगर होगा लास्ट में तो ई एस लगाएंगे, तो डी आई एस एच, डिस, तो डिसेस, ई एस लगा देना लास्ट में। फिर है नाउन डैट इंड विथ वोवेल वाई, वोवेल वाई एस इज एडेड टू फ्रॉम द प्लूरल। एंड नाउन डैट इज इंड विथ कंसोनेंट वाई, IES is added in place of Y to form the plural. Noun that end with vowel, जब noun किसी vowel के last में अंत होगा तो उसमें हम S लगाते हैं, लेकिन जब कोई consonant में ख़त्म होगा तो IES की जगह हम क्या तो उसमें हम IES, Y को हटा करके हम IES लगा देते हैं। Y को हटा कर हम IES लगा देते हैं। कोई अगर वोवेल में वाई आएगा तो वहाँ हम एस लगाएंगे, लेकिन कॉन्सोनेंट में वाई आएगा तो वहाँ हम आई ई एस लगाएंगे। लास्ट में देखना है कि अगर वाई आ रहा है किसी भी सेंटेंस के लास्ट में वाई, तो हम उससे वाई को हटा करके वहाँ क्या लगाएंगे? आई ई एस। जैसे देखिए आर्मी, ए आर एम वाई, तो आई वाई को हटा करके क्या लगा दिया? आई ई एस, आर्मी का आर्मीज। फिर मंकी, लास्ट का वाई हटा करके यहाँ क्या है? मंकी, ये नाउन है तो यहाँ एस लगाया है। ये देखना है कि नाउन अगर वोवेल आएगा तो वहाँ क्या होगा हमारा? कि वाई लगेगा, तो मंकी का या मंकीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सरसाइज, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर वन, सम नाउन्स आर मेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग गिवन। इसमें जो दिया हुआ है सिंगुलर नंबर, उसको आपको एस ऐड करके उसमें प्लूरल बनाना है। तो क्या? की का, की का कीज, वाई का वॉयज, गर्ल का गर्ल्स, डक का डक्स। तो इस तरह आपको आगे बढ़ा देना है। मैंने पूरा यहाँ नहीं लिखा, ये सब आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा।
टू नंबर है सम नाउन्स आर मेड इनटू प्लूरल बाय एडिंग यस राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलो राइट द प्लूरल ऑफ द नाउन्स गिवन। जो नाउन दिया हुआ है उसमें क्या है, एस है या डबल एस है, सी एच है, एच है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है, ओ है, तो उन सब में क्या लगाना है, ई एस लगाना है हमको, क्या लगाना है लास्ट में ई एस लगाना है। तो क्या होगा, क्लास का क्लासेस, ग्लास का ग्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, पैच का पैचेस, तो इस तरह ई एस इसमें लास्ट में लगाना है सेकंड नंबर में। थर्ड है सम नाउन्स दैट एंड इन वाई आर मेड इनटू प्लूरल बाय कटिंग द वाई एंड एडिंग आई एस राइट द प्लूरल ऑफ द नाउन्स गिवन। नाउन के लास्ट में अगर वाई है तो उसमें क्या कर लिया है, प्लूरल बनाने के लिए उसको लास्ट के वाई को कटिंग कर देना है, उसको वाई को काट के हटा देना है एंड आई ई एस उसमें वाई की जगह आई ई एस लगा देना है। जैसे स्टोरी का वाई को हटा के आई ई एस स्टोरीज, बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज। नेक्स्ट है फोर नंबर सम नाउन्स दैट एंड इन एफ आर मेड इनटू प्लूरल बाय कटिंग द एफ एंड एडिंग वी ई एस। कुछ नाउन होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, लास्ट में एफ आता है, तो उस एफ को काट के हटा करके एफ की जगह पे हम वी ई एस लगाते हैं। जैसे स्कार्फ का स्कार्फ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स, एफ की जगह वी ई एस लगा है, लिफ का लिप्स, लोफ का लोप्स। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देना है और जो बाकी मैंने कुछ कुछ बता दिया है यहाँ, बाकी जो बस जो बुक में दिया हुआ वो तो आप लोग समझ गए हैं, अच्छे से अपने से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।